जय श्री राधे दोस्तों, आज हम आपको भोजपुर के अधूरे भोजेश्वर मंदिर के अद्भुत रहस्य के बारे में प्रचलित कथाएं बताएंगे। अधूरे निर्माण को देखकर मन में कई बार आकर्षण पैदा होता है। ऐसा ही एक रहस्य और अद्भुत निर्माण का उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजेश्वर मंदिर। भोजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का एक विशाल प्रतीक है। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजेश्वर मंदिर का अधूरा निर्माण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा कारण है। कई किस्से कहानियां हैं इस मंदिर को किस वजह से एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्य उदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से ये अधूरा मंदिर ऐसे ही स्थापित किया हुआ है। अनोखे ढंग से इस मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। भक्तों की आस्था का केंद्र है यह मंदिर। भगवान शिव की पूजा अर्चना का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। इस मंदिर में शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर करना संभव नहीं है। अंदर विशाल काय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग का अभिषेक किया जा सके। इसीलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक पूजा इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। अब सिर्फ पुजारी जी ही दिन में दो बार जलहरी पर चढ़कर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मान्यता है इस मंदिर को पांडव काल में बनाया गया था। यह भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान भोपाल के नज़दीक भीमबेटा में कुछ समय के लिए निवास किया था। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया है, ताकि पास में ही बहने वाली वेहता नदी में स्नान करने के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें। कहा जाता है कालांतर में यही विशाल शिवलिंग राजा भोज के समय में विकसित हुआ, और राजा भोज के समय में विकसित होने के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के साथ विशाल पत्थरों के ढोने से किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी। प्राचीन भव्य निर्माण तकनीकें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। साल में दो बार आयोजित होता है मेला इस मंदिर में। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में दो बार वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि के पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव किया जाता है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिम दिशा में एक गुफा है। यहाँ पार्वती गुफा के नाम से इसे जाना जाता। दोस्तों, सदियों से यह मंदिर इसी तरह भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसकी भव्यता विशालता देखते ही बनती है। भले ही वक्त के साथ इसके भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव हुए हैं, भले ही मनुष्य की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुँचाई है, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई थी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी हमें दिखाई देती है। तो भक्तों, आज आपको अधूरे मंदिर की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर आप इस मंदिर में कभी गए हैं तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।